पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने लगातार और बार बार ये आरोप लगाया है कि पाकिस्तान की सेना उनकी पार्टी को खत्म करना चाहती है और चुनाव से पहले ऐसी कई कार्रवाइयां इसी मकसद से की गई ताकि पीटीआई जो है वो कमज़ोर हो। कई पार्टी नेताओं को पार्टी छोड़ने को मजबूर किया गया। 9 मई के जो मुकदमे दर्ज किए गए उसमें सैकड़ों की तादाद में पार्टी कार्यकर्ताओं को नामजद किया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं को कैंपेन नहीं करने दिया गया। पार्टी का जो सिंबल है वो छीन लिया गया। लेकिन इस सब के बावजूद अब बड़ा सवाल यह है कि इमरान खान को इतनी बड़ी जो जीत है वो कैसे हासिल हुई, कैसे निर्दलीय तौर पे लड़के भी उनके जो 90 से 92 जो उम्मीदवार है वो जीत कर आ गए हैं नेशनल असेंबली में। इसके पीछे 3-4 बड़ी वजहें बताई जाती है। एक तो ये है कि युवाओं में जो इमरान खान की काफ़ी बड़ी पैठ है, वो एक बड़े क्रिकेटर रहे हैं, इस वजह से भी युवाओं में उनकी पैठ रही है। इसके अलावा वो लगातार यूनिवर्सिटीज़ में घूमते रहे हैं। मैंने भी जब उनका 2-3 बार इंटरव्यू किया तो लगातार वो यही कहते थे कि वो युवाओं को जगाने का काम कर रहे हैं ताकि वो अपने मुल्क के मुस्तकबिल के लिए आगे तैयार हो सकें। 44% जो वोटर हैं वो 35 साल से कम उम्र के हैं और उनमें ज़बरदस्त पैठ है इमरान खान की। लेकिन युवाओं के पैठ के अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हुई चुनाव से ठीक पहले जो इमरान खान के पक्ष में गई, हालांकि फौरी तौर पे वो इमरान के अगेंस्ट जाती नजर आई। जैसे कि उनको एक के बाद एक सज़ा दी गई, एक मामले में 3 साल की तोशाखाना मामले में, तोशाखाना के दूसरे मामले में 10 साल की, साइफर केस मामले में 14 साल की, और बुशरा बीबी से निकाह को अवैध करार देते हुए उस मामले में 7 साल की सज़ा दी गई। तो जो ताबड़तोड़ सज़ा दी गई इससे एक सहानुभूति की जो लहर है वो इमरान खान के लिए पैदा हुई। और सबसे बड़ी बात है कि जो बुशरा बीवी के साथ निकाह की बात जो है जिसको कि गैरकानूनी करार दिया गया, इद्दत के हवाले से ये कहा गया कि बुशरा बीवी का जो इद्दत का जो काल था, जो समय था, जो कि 4 महीने 10 दिन बताया जाता है, वो पूरा नहीं हुआ था और इस बीच में ही ये निकाह जो है वो कर लिया गया। 2018 में ये निकाह हुआ था, उसको गैरकानूनी करार देते हुए 7 साल की सज़ा दी गई और बुशरा बीवी जो है वो खुद अडियाला जेल पहुँच गई और अपनी सज़ा को पाने के लिए। तो ये जो एक मामला है उसने ख़ासतौर पर महिलाओं में एक बहुत ही जो सहानुभूति की लहर जो है वो पैदा की और युवाओं में तो पहले से पैठ रही ही है। तो ये एक बड़ा इसको एक बड़ी वजह के तौर पर देखते हैं कि वोटर जो है वो चुपचाप निकले और जाकर वो इमरान खान की पार्टी के जो भी उम्मीदवार थे, जिस भी सिंबल पे वो लड़ रहे थे, उनको जाकर वोट देकर वो आए। तो ये एक बात जो है उनके पक्ष में गई। हालांकि इमरान खान की 7 साल की सज़ा इस मामले में, यानी कि 34 साल की सज़ा जो 4 मामलों में हो गई है, वो कैद की सज़ा उनके लिए भारी पड़ने वाली है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले जो ताबड़तोड़ इस तरह के मामले में उनको सज़ा दी गई, वो उनके लिए उनके समर्थकों में उससे नाराज़गी पैदा हुई और इमरान खान के लिए एक सहानुभूति पैदा हुई। तो इसको एक बड़ी वजह के तौर पर देखा जा रहा है पाकिस्तान में और यही वजह है कि जो 92 सीटों की जो तादाद जो है वो निकलकर सामने आई और अब उनके सामने चुनौती सिर्फ इस बात की है कि कैसे इन अपने जीते हुए उम्मीदवारों को इंटैक्ट रखें और इसके लिए रणनीति बनाने में वो जुटे हैं। लेकिन बुशरा बीवी से निकाह का जो मामला है जिसमें कि उनको सज़ा दी गई, ये एक बड़ी सहानुभूति लेकर आई। ये पाकिस्तान के जानकार और वहाँ जो इस बात का विश्लेषण कर रहे हैं उनकी तरफ से ये जानकारी निकल कर सामने आई है और ये एक अहम वजह बनी इमरान खान के लिए वोटर जो है वो बाहर निकल कर आए और उन्होंने मतदान किया।